आत्मा विधिज विषया प्राप्त भोगांस्त विश्रान पश्चाचन्यान स्वमति विभवान ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान सर्वानेतान पुनरपि शनै स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणन पात्वतोऽस्तु पहले बताया था कि हम लोग अल्टरनेटिव ऊपर शुरू में जो दो संस्थान के मध्य है प्रज्ञान शुभ्रता नहीं और दूसरा है योगिशा के मध्य एक दिन एक दिन समय कम हो जाएगा कभी और अंतिम में भी एक एक करें अंतिम में तीन में से एक दिन एक करें। अथर्ववेदीय मांडूक उपनिषद पर विचार करते हुए भगवान भाष्यकर अपने उपोद्घात श्लोक में ही अधिकारी आदि मतलब इसको अनुबंध चतुष्ट कर निरूपण करके पूर्व ग्रंथ के संबंध को दिखाया चार जो प्रकरण आया हुआ उसमें क्या क्या विषय आएगा उसके बारे में कथन करने के बाद फिर कहते हैं कि यहाँ पे ओंकार निर्णय के माध्यम से आत्मज्ञान शंका ये कर दिया गया कि भाई ओंकार के निर्णय करेगा आत्मज्ञान कैसे ओंकार आत्मा थोड़ी है किसी वस्तु के ज्ञान से दूसरे वस्तु का ज्ञान होता है ऐसा कहीं नहीं दिखाया गया और आप ये भी नहीं कह सकते आत्मा के साथ ओंकार का कोई सहजत नियम है जैसे धुआं के साथ अग्नि ऐसा भी नहीं है तो ये कैसे हो सकता है। तब बोलते हैं श्रुति प्रमाण के आधार पर ऐसा निर्णय करके दिखाया गया है कि ओंकार की जो तीन मात्राएं हैं वो जो है जीव की जो तीन पाद है मतलब जागृत स्वप्न तीन अवस्था है उसके साथ तुलना करके और एक के बाद एक अवस्था को यदि आप लय करते हुए अंतिम जो तुरीय अवस्था मतलब यहाँ पे शरीर विशेष भाव में लय करना यही आत्म साक्षात्कार के उपाय है। तो यहाँ पे एक एक करके भगवान भाष्य का देखिए उच्चते ओम इति एतद् कठोपनिषद् एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम इस ओंकार रूपी आलम्बन में पर जैसे ब्रह्म के चिंतन करें तद अनुकूल आपको फल प्राप्त होगा एतद् वैसत्य काम परम च परम च जद ओंकार तस्माद् विद्वान एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति है ना कि भाषण में कर लिए थे। अब इसके बाद आता है ओम इति आत्मानं युञ्जीत मैत्री उपनिषद का है ठीक है ना। अब टीका में देखिए टीकाकार एक एक करके इसका उपयोगिता को दिखाए पहले में क्या दिखाया कि समाहित पुरुष ओंकार उच्चारण के साथ साथ ही इसके अंदर अभिव्यक्ति चेतन है उसकी तरफ चिंतन करके उसके सामने अभिव्यक्ति करते हैं दूसरे में ओंकार रूपी आलम्बन में परम ब्रह्म की चिंतन उपासना करते और तीसरे में प्रश्न प्रश्नोपनिषद का आधार पर जैसे आपकी रुचि है तद अनुकूल पर ब्रह्म दोनों के चिंतन कर सकते ओंकार रूप आलम्बन चौथा में आता है ओम इति आत्मानं युञ्जीत उसको लेकर के देखिए किंच पेज 10 में है ना इस पंक्ति को हम पढ़ लिए थे किंच यो अयम किंच अयम ओंकार जदा परापर ब्रह्म दृष्टा उपास्यति तदा तद ज्ञान उपायता उपारोहति इति मत्वा पुनः श्रुति दर्शयति। जिस समय इस ओंकार में पर अथवा अपर दोनों किसी भी ब्रह्म दृष्टि उपासना किया जाता है उस समय वो ओंकार ज्ञान उपायता ज्ञान प्राप्ति की उपायता को प्राप्त करते हुए उसमें हमको ज्ञान में आरोहण करा देते हैं। इसको मन में रखते भगवान भाष्यकर बोलते हैं श्रुति हम पढ़ लिए थे यहाँ तक टीका पढ़ लिए थे ठीक है। इसके आगे किंच समाधि निष्ठ यदा ओम इति उच्चार्य आत्मान अनुसंधत्ते तदा स्थूलम अकारम उकारे सूक्ष्म कमा कर्तना तम च कारणे मकारे कमा कर्तना भी तम अपि कार्य कारण अतीत प्रत्यक आत्मनि उपसंहृत्य तन्निष्ठ भवति इति अनेन प्रकारेण ओंकारस्य तत्प्रतिपत्ति उपायता इति विधान्तरेण आह ठीक है। इसके ऊपर बोल रहे हैं ओम इति आत्मानं युञ्जीत ठीक है ना। ये देखो ओम इति आत्मानं युञ्जीत मैत्री उपनिषद का जो वाक्य है यहाँ पे कैसे आप आत्मा की चिंतन करेंगे उसके लिए बोल रहे हैं। और भी देखो किंच मतलब मोरोवर अलग अलग उपनिषद में अलग अलग प्रकार के अधिकारी के आधार पर अलग अलग प्रकार से कहा गया है। किंच समाधि निष्ठ
यदा ओम इति उच्चार समाहित व्यक्ति सात नंबर टिप पर देखो था समाहित चेता इति अर्थ इसका चित्त मतलब परमात्मा में स्थिर शुद्ध अंतकरण वाले विवेक वैराग्य संपन्न संपन्न शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति समाहित चेता इति अर्थ। समाहित चेता क्या हो गया? समाधिनिष्ठ। देखिए समाधिनिष्ठ हो गया तो फिर साधन की आवश्यकता नहीं। समाधिनिष्ठ मतलब शुद्ध अंतकरण वाले यहाँ पे बोलना चाहते हैं। समाधिनिष्ठ होकर बच्चे बैठा रहेगा तो विचार ही नहीं कर पाएगा। और तो यहाँ पे क्या करना है तो बोलते हैं समाधिनिष्ठ। इसमें हमें टिप्पणी लिखना पड़ा उच्चारण करके क्या करते हैं? कुछ आत्मानं अनुसंधत्ते आत्मा अनुसंधान करते हैं, आत्मा के बारे में अंदर जाते हैं। स्वस्वरूप अनुसंधानं भक्ति आत्मा अनुसंधान वस्त्र क्या हो गए शरीर से लेकर के इंद्रिय मन बुद्धि के निषेध कर आत्मान अनुसंधत्ते तदा स्थूलम जो अपना स्थूल शरीर है जागृत प्रपंच है उसको क्या करता है? स्थूलम अकारम जो अकार के मतलब ओंकार के अकार मात्र के साथ तुलना करके उसको क्या करते हैं? उकारे सूक्ष्म में उससे भी जो सूक्ष्म है उकार में उसको मतलब हमारे स्वप्न अवस्था में जागृत को स्वप्न में जागृत में स्वप्न में लय कर रहे मतलब क्या आप सो जाएंगे कि नहीं सोएंगे? ये सोने वाला स्वप्न नहीं है। स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में नहीं आप देखिए स्वप्न में क्या होता है आपका शरीर के साथ स्थूल शरीर के साथ तालात्मकता छोड़ जाती है। इंद्रियां आपने बंद कर रखा मन व्यापार कर रहे हैं मन व्यापार कर रहे हैं। अब जागृत में बैठ करके स्थूल शरीर के साथ तालात्मकता उठा करके इंद्रियों को अंतर्मुख करके अब मन व्यापार में आ जाए केवल मानसिक व्यापार में आना। इसलिए आप बोलते हैं कि समाधिनिष्ठ यदा ओम इति उच्चार्य आत्मानं अनुसंधत्ते तदा स्थूलं अकारं उकारे सूक्ष्मे तो अकार मतलब स्थूल प्रपंच उससे जो सूक्ष्म उकार है मतलब ओंकार की मात्रा वो हमारी जीव की जो है स्वप्नावस्था है मतलब आपने विश्व को तेजस में और फिर जो विराट को हिरण्यगर्भ में आपको लय कर देना विचार पूर्वक उसको लय करना। इसलिए हमें बोलते हैं कि स्थूलं उकारे सूक्ष्म और उससे सूक्ष्म है अब फिर सूक्ष्म शरीर को क्या करना है वहां कर दिया था हमें ना स्थूलम सूक्ष्म तम च ये अनुशन तदा स्थूलम अकारम उकारे सूक्ष्म तम च कारणे मकारे है ओ कारण आत्मा अज्ञान कुछ मेरे मतलब हमारा जो कारण शरीर मतलब अज्ञान को हित चेतन मतलब अज्ञान अव्यक्त को हित चेतन केवल अज्ञान है वहां पे। अब क्या हो गया मनोराज्य में रहते 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 अचानक मतलब क्या हो गया वो जो थॉट फ्लो चल रहा था उसको रोक दीजिए। मनोव्यापार और चित्तवृत्ति मनो मनोव्यापार और चित्तवृत्ति दो शब्द तय करते हैं तो कुछ फर्क है या हाँ मतलब चित्त क्या होता है आपका मनोव्यापार चित्त हो गया आपका चार भाग है अंतकरण की मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन केवल मतलब बाहरी वस्तु को देख करके संकल्प विकल्प करता और चित्त अपना संस्कार के अनुसार वो वस्तु ऐसा है ऐसा आदान करते हैं और बुद्धि उसमें निश्चय करते हैं अहंकार बोलते हैं मैं जाना ये चार का फंक्शन है। तो हम बोलते हैं मनोव्यापार मतलब वो क्या बाहरी की वस्तु को लेकर के विचार करते हैं मनोव्यापार और चित्त वृत्ति मतलब संस्कार से उठा हुआ वृत्ति ठीक है संस्कार से उठा हुआ वृत्ति। अब क्या हो गया वो इसके ऊपर भी आधारित हो सकता है बाहरी वस्तु जब मन जब चित्त को मुझको डिलीवर किया तब वहां से क्या रिस्पॉन्स आया ये भी हो सकता है अथवा अपने संस्कार के अनुसार जो वृत्ति अचानक मन में आ गए। अब हम अभ्यास कर रहे हैं बार बार आत्मचिंतन की अभ्यास कर रहे हैं तो चित्त वृत्ति में संस्कार परिवर्तन हो रहा है। चित्त का पहला अभ्यास था बाहरी विषय को लेकर के चिंतन करने का। आप मन से आप बार बार निश्चय करके नहीं अब हमको आत्म विषय चिंतन करना है और कैसे शरीर नहीं है मन नहीं हूँ बुद्धि नहीं हूँ तो शास्त्र कहता है क्या कि असंग पूर्ण बुद्धि के द्वारा निश्चय से आप क्या करें चित्त में यदि संस्कार आएगा अभ्यास करते करते बैठने से उचित आने लग जाएगा पहले अभ्यास करना पड़ेगा। यही जो यहाँ पे बोलने का इसी बोला समाधिनिष्ठ यहाँ पे क्या बोला समाधिनिष्ठ हाँ शुद्ध अंतर करने वाले व्यक्ति यदा ओम ओंकार उच्चारण करते ही क्या होता है उसका उसके समय स्थूल प्रपंच जो है वो आता है वो स्थूल प्रपंच जो अपना स्थूल शरीर बाहरी प्रपंच जो क्या करता है उसको उकार में लय करता है जैसे माँ माँ का ओ से ऊ में आ रहा है धीरे धीरे उसका क्या होता है
प्रपंच लय होता है, स्थूल प्रपंच लय करके सूक्ष्म में आता है। मतलब आप बाहर स्थूल शरीर के साथ आपके तादात्म्य छूट गया और इंद्रिय व्यापार नहीं कर रहे हैं, केवल मात्र मन व्यापार कर रहे हैं। कोई एक फ्लो ऑफ थॉट मतलब आत्मा की अथवा ओंकार की जो आवाज है रेजोनेंस है उसी पर पकड़ के रख के चल रहे। अब क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद तम च कारण मकारे, अब जो है अकारे का जो कर मतलब म एक पुष्ट वर्ण है, पुष्ट वर्ण मतलब लिबियल, आप यू हैव टू क्लोज योर लिप, इस इंडिकेशन दैट यू हैव टू स्टॉप योर थॉट। थॉट फ्लो चल रहा था उसको अचानक रोक, ये जो रुकने पर वो थॉट फ्लो रुक गया मतलब अपने अस्तित्व नहीं जाएगा, मतलब अस्तित्व जो नहीं जाएगा वो केवल समझ में आएगा, वो आपको समझ में आएगा शुद्ध अस्तित्व। इसीलिए आप बोलते हैं कि तम च कारण पूरा मांडू को कार्य का इसी को देखा है, मतलब आत्म साक्षात्कार करने के लिए विशिष्ट हो गई, अभ्यास करते करते ही होगा तम च कारण मकार है, ठीक है ना। अब जब मकार में आपने आ गया ना तो आप अभी जागृत काल में बैठ के सुषुप्ति का आनंद ले रहे हैं, जागृत काल में बैठ के आप सुषुप्ति का आनंद, सुषुप्ति का आनंद कैसे ले रहे हैं, आपको केवल मात्र अपने अस्तित्व की पता है। सुषुप्ति काल में अपने अस्तित्व का भी पता नहीं रहता, परंतु जागृत काल में जो सुषुप्ति में चले जाएंगे तो आपका अपने अस्तित्व की पता रहेगा। ये अब जब ये अपने अस्तित्व को पता रहा कि अस्तित्व आपके सामने विषय रूप में आ रहा है कि मैं हूँ मैं, परंतु उसके बाद क्या होगा इस अज्ञान मतलब जो सुषुप्ति अवस्था ये जो अपने अस्तित्व को जो आप सोच रहे थे व बुद्धि के विषय में आता वो बंद हो जाएगा, वो बंद होते अस्तिमात्र मतलब जो आपका क्या होगा विषय रूप में अनुभव नहीं होगा परंतु मैं हूँ ये आपको अनुभव। इसलिए आप बोलते हैं देखिए कि तम भी कार्य कारण आती थे वो भी उसको भी क्या करना है, वो अज्ञान उपहित चेतन उसको कार्य कारण से पीछे, कार्य कारण आती थे कार्य और कारण दोनों की कार्यात्मक हो गया आपका ये स्थूल सूक्ष्म शरीर, कारण क्या हो गया अज्ञान, ये कार्य कारण के पीछे शुद्ध हमारा चेतन है उस चेतन शुद्ध चेतन। इसलिए बोलते हैं तम अभी कार्य कर्तम है, तम अभी कार्य कारण आती थे प्रत्येक आत्मनि उपसंहरित, प्रत्येक आत्मा में कैसे उपसंहार करेंगे मतलब केवल शुद्ध व्यापकता चेतन उसमें आकर के स्थिर। अब जो है पहले वो आपको अभ्यास करते समय विषय रूप में आपको चिंतन का ब्रह्म का वृत्ति बोलते हैं, परंतु एक समय क्या होगा जैसे ही हमारा जन्मांतरीय पाप जो हमारे ज्ञान होने में प्रतिबंध बैठा हुआ वो क्षय होगा अभ्यास करते करते, वो अपने आप ही है वहां पर कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए दृष्टांत तो क्या है देखो ये जो इन दोनों चीज को जो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण सुंदर बोलते हैं यहाँ पे तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम, ये बुद्धि योग बुद्धि योगम तम ये न मांग को जानती थे जिससे कि वो मेरे साथ एक हो सकता है, ये बुद्धि योग देता है कि मैं इस प्रकार से साधन। फिर क्या होता है अपने इसकी प्रक्रिया है, इसीलिए हमें बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार के ही प्रक्रिया है। यहाँ इसीलिए बोलते हैं कि उनको भी क्या करता तम अपि कार्य कारण अतीत प्रत्येक आत्मनि उपसंहरित, कार्य कारण से परे मैं कार्य रूप भी नहीं हूँ मैं कारण रूप भी नहीं, ये दोनों के साथ हमारा तीनों काल में कोई संबंध नहीं रहा। ये भावना जितना दृढ़ होता जाएगा कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सबके तादाद में जाती है, तब क्या हो जाएगा व्यवहार भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, केवल इसी में मन लगा रहेगा भगवान को दे रहा हूँ, परंतु धीरे धीरे एकत्र चिंतन करते करते देने वाला और जिसको दे रहा हूँ ये भेद चला जाएगा, तो मन ही अपने अहंकार से मैं अपने को अलग मान रखा तो भगवान का अपना कार्य जो समर्पण करते भगवान को मन है, परंतु बाकी वो नहीं जाएगा एक स्थिति होने के बाद, फिर
तब भगवान ईश्वर समाचार थे हमारे जन्मांतर पूर्व तो ज्ञान उत्पत्ति पुंसाम क्षया पापस्य इस शरीर के साथ जो प्रतिबंध भगवान अंतिम में दिया था प्रतिबंध क्षय होने के बाद अपने यहाँ भी ज्ञान अभिव्यक्त होता है। नित्य अभिव्यक्त वस्तु है अनिव्यक्त उपाय नहीं केवल हमें समझ की कमी थी वो पाप मतलब हमारे मन में प्रतिबंध बैठे तो मिटती उसको अभिव्यक्त हो जाता है। इसीलिए आप बोलते हैं किंच ओंकार जरा पराखन किंच समाधि निष्ठ जरा ओम इति उच्चार्य आत्मान मनुष्य धत्ते तथा स्थूल पूरा मांडू को कारिका करना ये सार है ही नहीं तनिष्ठ भवति आप उपनिष्ठ तनिष्ठ हो जाएंगे ना मतलब निर्गुण निराकार निर्विशेष निष्ठता आ जाएगा तो बस में असंग पूर्ण व्यापक किसी के साथ कोई संबंध नहीं पड़ा भवति इति अनेन प्रकारेण इस प्रकार से ओंकार से इस प्रकार से कहते हैं ओंकार जो है क्योंकि आप क्या किया ये जो धीरे धीरे उच्चारण करते हुए आकार के द्वारा प्रपंच उकार जब आ रहा है तब आप केवल माइंड लेवल में जो मकार में आता है तो ये सब गया स्थूल शरीर इंद्रिय सब गया केवल मात्र जो है अपने अस्तित्व के साथ फिर वो अस्तित्व स्थूल रूप में आपके सामने आएगा बाद में उसके पीछे जो कार्य की तो कार्यकरण रूप में दिखाई देता है कारणात्मक भी नहीं है अज्ञान के साथ तीनों का हमारे का साथ कोई संबंध नहीं है वो केवल एक कल्पना था मात्र ये भाव में ये निष्ठात्मनिष्ठ आने पर फिर बाकी ईश्वर की बातें छोड़ तब ईश्वर को छोड़ प्रत्येक आत्मा के प्रसंगित तनिष्ठ भवति
ना 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 बात समानादि जो अज्ञान बात समानादि कारण आपका भ्रांति स्तर में होता है और जो आपका मतलब अध्यास जो हुआ आपका वहां पे क्या होता है जानबूझ के जब अध्यास करते हैं वो उपासना प्रकरण में आता है मनो ब्रह्म इति उपासित यहां पे जो मन और ब्रह्म में समानाधिकरण दिखाई दे रहा है ये हो गया आपका अध्यास समानाधिकरण मन को ब्रह्म दृष्टि से उपासना करना आदित्य ब्रह्म इति उपासित बांग्लादेश में ना तो जो मंदिर आदि देव मंदिर आदि तो राजा है हमारी गलती है उनकी गलती नहीं है हमारे उपनिषद में कभी देखो कोई देवी देवता की पूजा लिखा हुआ है आदित्य ब्रह्म इति उपासित आकाश ब्रह्म इति उपासित हम आदित्य को देवता मानते हैं आकाश को देवता मानते हैं वायु को देवता मानते हैं उसको सूर्य का एक प्रकाश भी तिनका भी कम कर सकता है कोई वायु का थोड़ा भी कोई रोक सकते हैं उसमें कुछ नहीं हमें तो उपनिषद ये सिखा है उसको हमने जो है पौराणिक रूप में ला करके देवता में घुसे तब हम अपने लिए कभी किए तब उसी के ऊपर आघात होता है तो हमें मन में आघात लगता है जरा सोच करके देखो वेद हमको क्या दिया जो वेद हमको आदित्य को उपासना करो कोई छू सकता है उसको उसको हमारे विश्वास इतना है तो हम जैसे ही थोड़ा नीचे आते हैं ना तो भी हमको आघात पहुंचता है किसी भी वेद में आप देखना कोई देवी देवता को लेकर के नहीं बोलेगा देवी देवता को देखा तो भौतिक वस्तु के अंदर देवी देवता को बोले भौतिक पिंड के अंदर जो देवी का अधिदेवी का उसको लेकर के बोले उसको कोई छू नहीं पाए ना उसका कोई मंदिर है ना कोई तोड़े ये तुम्हारे विश्वास मान होना चाहिए मंदिर रहेगा क्या ये हिंदुत्व है ये हिंदुत्व है उसमें कौन क्या कौन सा तो अनादिकाल से जैसे चलता आ रहा था आगे भी ऐसे ही चलता रहे कोई इसके ऊपर मतलब ठोस नहीं पहुंचा सकता हमारे उपनिषद दर्शन इतना ऊंचा चीज है अब इसके बोलते हैं कि ये ओम इति युंति तो ओम इति ब्रह्म तो यहाँ पे ये ओम और ब्रह्म में समानाधिकरण है ये बात समानाधिकरण भी हो सकता है बात समानाधिकरण भी हो सकता है अब देखिए यहाँ पे आगे जैसे व्याख्यान करेंगे दो चीज ओम और आत्मा आत्मा ना तो मतलब आत्मा हो गया हमारे जगत को दो रूप में दिखाई पड़ता है किस रूप में दिखाई पड़ता है नाम और रूप रूप सारा आत्मा अधिष्ठान है आत्मा रूप अधिष्ठान में रूप कल्पित है आत्मा रूप अधिष्ठान में रूप कल्पित है तो ओंकार भी एक रूप हो गया ओंकार वो भी आत्मा रूप अधिष्ठान में कल्पित है अब ये ओंकार क्या हुआ अ उ म बचपन में जब हमको सिखाया जाता है अल्फाबेट क ख ग घ अकार के साथ अकारो वैसर्गवा यानी कि समस्त वाणियों में ये ओंकार ये तो मान लीजिए कि रूप का अधिष्ठान हो गया आपका आत्मा और नाम का अधिष्ठान हो गया ओंकार वो ओंकार को आत्मा में लय करो पहले फिर आत्मा को जो रूप दिखाई पड़ रहा था वो भी बात समानाधिकरण तो क्या हो जाएगा वास्तविक आत्मा में कोई नाम रूप होना संभव ही नहीं है शुद्ध आत्मा की बोध निश्चित कर लेकिन ओंकार तो एक ध्वनि है ये शास्त्र ओंकार को शास्त्र क्या बोला ओकार ओंकार वेदगुण सर्वम बोलेंगे यहाँ से अकार सर्वभावा ओंकार एक ध्वनि है एक शब्द है ये ओंकार रूपी शब्द में जितने सारे शब्द है ये अल्फाबेट की षड्वर्ण से ही तो होता है बस इतना आधार पर मैं बोला था देखो दिल्ली में कितना मोड़ है क्या बोलेंगे दो ही है दो लेफ्ट एंड राइट ठीक इसी प्रकार सारा वर्ण के उच्चारण के लिए आपको क्या है षड्वर्ण का आवश्यकता है अ से लेकर और म मतलब अल्टीमेटेड यानी कि उसमें लय प्राप्त कर जाते हैं तो यानी कि आप देखना यानी कि रूप का अधिष्ठान है आत्मा और नाम का अधिष्ठान है ओंकार और ओंकार भी आत्मा में कल्पित है ठीक है ना ओंकार भी आत्मा में कल्पित है गया सर नाम रूप गया अधिष्ठान के बदले से बात समान अधिकार ये बात समान है छोटा शब्द बंदी इसके अंदर इतना चीज इसका व्याख्यान आगे होगा जो मैं छोटे से आपको बता दिया जो हमने आपको बोला इस शास्त्र से ही पता है आपने आप व्याख्यान हाँ इसका नंबर दिया हुआ है तैतरीय उपनिषद क्यों 161 161 ये आया समझ में मतलब ऊपर ऊपर का जो हमारे इसके अंदर जो रहस्य छुपा है वो ये है कि एक हो गया आपका मतलब रूप का अधिष्ठान एक हो गया आपका नाम का अधिष्ठान अब उनका स्वयं एक नाम होने के कारण एक रूप आत्मा आपने ले लिया वो अंक आत्मा आत्मा के ऊपर आरोपित है आप क्या हो गया विचार करते करते सब बात करते
अधिष्ठान बचेगा। मैं पहले ही बोला प्रतीक पहले लेकर के चला था प्रतीक उपासना। आप एक के बाद एक अधिकारी तो जब सूक्ष्म होता जाता है, हाँ उत्तम अधिकारी होगा तो ऐसा विचार करेगा। कोई फर्क नहीं, रूप बदल जाए, रूप तो कल्पित है, इसीलिए तो कल्पित है। जो हमारे वेदांतिक परिभाषा, वेदांत में परिभाषा का मिथ्या किसको है, जो बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है, इसलिए मिथ्या है। और वो शब्द गम भी नहीं है, वो तो हमें प्रत्येक मत हमको समझाने के लिए अवलंबन दिया गया है। ओम का भी चिंतन करो और उससे द्वारा धीरे धीरे मन एकाग्र करो, तब जाकर के आप इससे पूछे में जो तब अर्थ जब अध्ययन जो सूत्र में आते हैं क्षेत्र, इससे शोभ मनस्थ आता है, मन धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। इसी पर आप अधिकारी अपने सामर्थ्य के अनुसार कैसे चिंतन करने से इतना विकल्प दिया, भगवान भाष्य करके देखिए कि कितना विकल्प करके दे रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे किसी एक अवलंबन इसको लेकर के ब्रह्मसूत्र में विचार उठा है कितना करे। ब्रह्मसूत्र में सीधा सीधा व्यासदेव जी बोलते हैं कि आपको अंतिम समय तक याद रखने के लिए एक कोई पकड़ी, यदि मुक्ति आप चाहते हैं तो एक को अवलंबन लीजिए। आप सकाम उपासक है, जितना चाहिए जो चाहिए जिसके कितना भी करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मुक्ति चाहते तो एक अवलंबन को लेकर के अंतिम समय तक उसी में लगेगा। ब्रह्मसूत्र में बताया व्यासदेव जी ने इस चीज को, ये आपका है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद में लास्ट चैप 35-36 अधिकार में यहाँ पे आया है। ठीक है ना, अपने लक्ष्य के ऊपर सत्व को आरोप किया,
और रज्जु और सत्व की तादाद में आरोपी से आरोपी जो तादाद में है उसका अभाव हो गया। आरोपी जो तादाद में अभाव बाध की बात की परिभाषा, ठीक है ना। जो वस्तु का हमने आरोप किया था उस आरोपित किया था जो एक रज्जु सर्व रूप में दिखाई पड़ रहा था वो तो एक हो गया। आरोपित तादाद में उसका अभाव हो जाता है, मतलब अब दो वस्तु नहीं है तब एक ही अधिष्ठान है उसको बाध हो गया। आरोपित तादाद में अभाव बाध तब विषय को बोध जनक इस प्रकार के अधिष्ठान विषय बोध जनक जो बात बात होते हैं जट पद हो तीन पदों का सामानाधिकरण समान विभुक्ति समानाधिकरण समान विभुक्ति कत्तम समान विभुक्ति पर तेन इति अर्थ उसके द्वारा बात संबंधित उसमें बात हो जाए, है ना। मतलब क्या होगा आरोपित तादात्म्य का बात कर देगा। इसमें तीन चीज अन्वय व्यतिरेक अभाव परिहारेण है ना, अज्ञान सत्य जगत सत्य अज्ञान अभाव जगत अभाव, ठीक है ना। अज्ञान सत्य द्वैत सत्य अज्ञान में तो तादात्म्यता रहेगा, जब तक अज्ञान है तब तक तादात्म्यता रहेगा, जब अज्ञान नहीं है तब तादात्म्यता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यहां पे बोलते हैं व्यतिरेक अन्वय व्यतिरेक अभाव परिहारेण, फिर वो जो अभाव है आप देख बाद में क्या करेंगे, ये जिसको हम अभाव दिखाई दे रहा है वो वस्तु पहले तीनों काल में था ही नहीं, वहां पे वो तीनों काल में वहां पे वस्तु था ही नहीं, तो अभाव का भी आप अपने आप में इस समय अभाव नहीं हुआ तीनों काल में उसका अभाव परिहारेण ओंकार से ब्रह्म मात्रत्वम बोध्यते। ओंकार केवल ब्रह्म मात्र ही है, केवल अधिष्ठान अधिष्ठानी है, केवल अधिष्ठान अधिष्ठानी अधिक अधिष्ठान रूपी ब्रह्म के ऊपर जो ओंकार रूपी अवलंबन लेकर हम चिंतन कर रहे थे, जैसे जैसे आपकी आधिकारित्व की मात्रा बढ़ती जाएगी तब आप ओंकार को भी छोड़ देंगे, बात कर देंगे उसको, ये तो उसके ऊपर कल्पित हो रहा था आप केवल शुद्ध अधिष्ठान पर। इसलिए बोलते हैं ओंकार से ब्रह्म मात्रत्वम बोध्यते, ओंकार से ब्रह्मणि इसको समझा रहे थे, ओंकार से ब्रह्मणि तादात्म्य रूप अधिक बोले ना कि तादात्म्य के परिभाषा क्या है, आरोपित तादात्म्य अभाव। संसार में जो भी कोई वस्तु दिखाई पड़ता है इसके ऊपर दिखाई पड़ता है अधिष्ठान के ऊपर दिखाई पड़ता है, अधिष्ठान क्या है निर्गुण निराकार निर्विशेष पूर्ण व्यापक तत्व। अब आपका धीरे 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 मानसिक शुद्धता आने के कारण क्या होगा, जो आरोपित वस्तु हमको दिखाई दे रहा है सामने हो जाएगा अधिष्ठान या उस प्रकार के रूप वाला जो ओंकार है तब व्यतिरेक अभाव वो ओंकार का ब्रह्म से भिन्न करके अभाव है, यानी कि ब्रह्म ही सकते जिस वस्तु जिसके बिना दिखाई नहीं दे सकता है उसका जिसके बिना नहीं दिखाई देता वही उसके अंदर पारमार्थिक सत्य तत्व। इसको हम परिणाम बात के द्वारा समझाते हैं, हम परिणाम बात के द्वारा समझाते हैं, विवर्त बाद में घटाते हैं। क्या बोला, घड़ा नामक जो वस्तु है वो उत्पत्ति से पहले भी मृत्तिका में, उत्पत्ति काल में मृत्तिका में, स्थिति काल में मृत्तिका में, लय काल में मृत्तिका में, लय होकर के मृत्तिका में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। मतलब क्या हो गया, घड़ा नामक वस्तु किसी भी अवस्था में मृत्तिका को छोड़कर के कभी भी नहीं रह सकता, तो जो वस्तु जिसको छोड़ करके कभी नहीं रह सकता उसका स्वरूप वही होता है। ये परिणाम बाद में समझ में आता है। आप जो अधिष्ठान के ऊपर भ्रांति में दिखाई दे रहे सर को, वो सर को आप अलग करके कभी देखना चाहो नहीं देख सकते। उस सर को आप रज्जु से छोड़ करके अलग करके देखना चाहते हैं कभी नहीं देख सकते, जैसे सर को पकड़ने जाएंगे रज्जु आ जाएगा सामने आपके पास। यानी कि जो वस्तु जिसको छोड़ करके कभी नहीं देखा जा सकता उसका स्वरूप होता है। ओंकार ब्रह्म के ऊपर आरोप था, आरोपित था, ब्रह्म को छोड़ करके नहीं देख सकते आप उसको, परंतु क्या हो गया वो ब्रह्म ओंकार ब्रह्म स्वरूप है, ये बात समझने का, ये विचार पूर्वक निर्णय करना, ये विचार पूर्वक निर्णय करना। पूरा ग्रंथ की जो सार तत्व ना इसी में संपादन कर दिया टीकाकार भाष्यकार, बाकी इसी का विस्तार होगा लॉजिकल। यहाँ पे तो आगम के सहारे बोल रहे हैं, लॉजिकली एस्टेब्लिश कर देंगे। आप इसे हमें बोलते हैं कि अन्य व्यतिरेक अभाव परिहारेण ओंकार से ब्रह्म मात्रत्वम बोध्यते इति यावत् कामः। ओंकार से ब्रह्मणि तादात्म्य रूप जो अन्वय, मतलब अन्वय शब्द का संसर्ग, तल रूप जो ओंकार इस प्रकार संसर्ग करके ब्रह्म को, ब्रह्म जो ओंकार रूप में दिखाई दे रहा था, रज्जु जो सर्प रूप में दिखाई दे रहा था, अथवा मृत्यु का जो घड़ा रूप में दिखाई दे रहा था, ओंकार से ब्रह्म व्यतिरेक अभाव उस ओंकार का ब्रह्म से, मतलब उस
घड़ा का मृतिका को छोड़ता के कभी नहीं देख सकते हैं। उस रज्जु को सट पर ऊपर दिखाई दे रहा है, रज्जु उस रज्जु को छोड़ता के कभी नहीं देख सकते हैं। इसलिए अभाव तत्परिहारे न तस्य अभाव बोध, तत्परिहारे न मतलब उसको यहाँ पे बोले ना अन्वय व्यतिरेक और अभाव परिहार में उसका उसका परिहार करके द्वारा उसका अधिष्ठान ही बचता है। इसके द्वारा अधिष्ठान की बोध होगा, तस्य अभाव बोधे न इति अर्थ, मतलब कल्पित वस्तु का अभाव बोध के माध्यम से अधिष्ठान का बोध होता है। अब रज्जु के ऊपर दिखाई दे नित्य अनित्य और मिथ्यात्व में ये भिन्नता है। कई बार मैं बोल चुका हूँ चीज को, अनित्य और मिथ्यात्व में क्या भिन्नता है। अन्यान्य सभी वादियों ने जगत को अनित्य तो माना, परंतु वेदांति एकमात्र मिथ्या मानते हैं। ठीक है ना, ये अनित्य वस्तु जब नाश होता है तो सावशेष नाश होता है, अनित्य वस्तु जब नाश होता है तो सावशेष नाश होता है। सर्प जो व्यवहारिक सर्प है उस सर्प को आप मारेंगे तो सर्प का मरा शरीर पड़ा रहेगा, फिर सर्प का मरा शरीर को आप जलाएंगे तो उसका राख रूप में मिलेगा आपको, फिर उसको पानी में सर्प मिल जाएगा वो, परंतु सावशेष नाश होता है। परंतु रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्प जब ज्ञान के द्वारा नाश होगा उसका क्या बचेगा, मृत शरीर पड़ा रहेगा कि नहीं, उसको आप लट्ठी से पीट सकते हैं कि नहीं, कुछ नहीं कर सकते, निरवशेष नाश होता है। ये वेदांत यही कहता है कि अधिष्ठान तत्व की ज्ञान तत्वाधे न, उसको पर जो दिखाई दे रहा है वो नाश होकर के केवल अधिष्ठान शुद्ध चेतन बचता है। इसलिए ओम इति ब्रह्म इति पुस्तक करतो है ना, ओम इति ब्रह्म ये बात समाधि करने दिख रहा है। ठीक है ना, इसी से इस प्रकार से ओम ओंकार जो है ये आत्मबोध में उपाय बन जाता, अवलंबन बन जाता। इसको लेकर के विचार चल रहे ना, ओंकार कैसे आत्मबोध के लिए अवलंबन बनेगा। निरवशेष नाश होना चाहिए। आप यही दृष्ट अन्य सभी दृष्टांतों और दृष्टांत में वेदांत में भी हम उसको अधिक घटाते हैं। क्यों, मरुभूमि के ऊपर दिखाई दे रहा पानी जो आपका अधिष्ठान तत्व के ज्ञान हो गया कि बालू है, परंतु दूसरा दिन भी वो सूर्य किरण के कारण हमें चाक्षिकता दिखाई देगा, परंतु आपको जल भ्रांति नहीं। जीवन मुक्त पुरुष में ऐसा ही होता है। जीवन मुक्त पुरुष को बोलते हैं यदि आपका अज्ञान नाश हो गया तो शरीर का भी नाश हो जाना चाहिए था कि बात करके नहीं, तो शरीर था के लिए कुछ प्रारब्ध भगवान बचा के रखते हैं कुछ कर्म के लिए। इसलिए क्या होता है, जगत की प्रतीति तो रहती है परंतु जल भ्रांति वो मेरा तृष्णा मिटा सकती है भ्रांति नहीं रहता। ऐसा मरुभूमि में चाक्षुकता देखने के बावजूद भी हमारा मन में निश्चय रहता है वहाँ पे पानी नहीं है इसीलिए मेरी प्यास को बुझा नहीं सकती। इसी प्रकार जगत की प्रतीति होने पर भी ये मेरा कुछ भी काम की वस्तु नहीं है ये निश्चय रहने के कारण उसके द्वारा वो आकर्षित तो कोई व्यवहार नहीं। इस अभिप्राय से आगे बोलते हैं कि बात समझ अब आगे बोलते हैं ओम इति ब्रह्म किंच। आगे एक देखिए और आ रहे हैं आगे, ओंकार एव इदम सर्वम। ठीक है ना, ओंकार एव इदम सर्वम, ये है सर्वम कल इदम ब्रह्म, सर्वम कल इदम ब्रह्म आत्मैव इदम सर्वम। फिर इसी प्रकार से ओम एव इदम सर्वम ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ओंकार एव इदम से छांद उपनिषद द्वितीय खंड में 23 ओंकार उपासना लास्ट में आया हुआ है। इसका यहाँ पे देना बहुत सुंदर इसके ऊपर भाष्य है कि भगवान भाष्यकार यहाँ पे ये दिखाया है त्रयो धर्म स्कंधा तीन धर्म स्कंध को करके वहाँ पे जो ब्रह्म संस्थामृत तत्त्वम इति उस प्रसंग में ये आया हुआ है। 223.3 लास्ट ये होगा दुष्यंत को प्रश्न। अभी हम लोग चल रहे हैं द्वितीय भाष्य तो चल आ जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि किंच सर्व आस्पदस्त्वात् ओंकारस्य ब्रह्मनश्च, ओंकार भी सबका अधिष्ठान है ब्रह्म भी अधिष्ठान है। सर्व आस्पकिच्च सर्व आस्पदत्वात् ओंकारस्य ब्रह्मनश्च। ठीक है ना, ओंकार भी सबका आश्रय है ब्रह्म भी सबका आश्रय है, अधिष्ठान आस्पद एबोव। तो फिर क्या बोलते हैं तथात्वात् एक लक्षण फर्क क्या हो गया, सर्व आस्पदत्व रूपी जो लक्षण है वो ब्रह्म में भी है ओंकार में भी है। ठीक है ना, अब ब्रह्म क्या हो गया समस्त रूप का आश्रय है, ओंकार क्या हो गया समस्त नाम का आश्रय है, और ओंकार भी एक रूप है इसलिए वो ब्रह्म के आश्रय में है, और ब्रह्म नाम से नहीं था इसलिए ब्रह्म ओंकार के आश्रय में नहीं है। जरा सोचिए इस चीज को, ब्रह्म नाम से नहीं था, ब्रह्म तो नाम नहीं है, ओंकार एक रूप है इसलिए ओंकार ब्रह्म के आश्रय में है, परंतु ब्रह्म ओंकार के आश्रय में नहीं है इसलिए लय प्राप्त होगा तो ओंकार लय हो जाएगा ब्रह्म अधिष्ठान नहीं।
यह भी बोल रहे हैं, देखिए कई चीज छोटा छोटा चीज को यदि आप विचार करेंगे ना तो आपको सामने वस्तु स्पष्ट होता जाएगा। क्या बोलना चाहते हैं कि च सर्व आस्पदत्वात् ओंकारस्य ब्रह्मनश्च तथत्वात् एक लक्षण, यदि दोनों में एक लक्षण आ गया क्या सर्व आस्पदत्व, ठीक है ना, अन्यत्व असिद्धे, ये दोनों का एक लक्षण होने के कारण दोनों भेद भिन्न वस्तु नहीं है, भिन्नता की असिद्ध होने पर ओंकार प्रतिपत्ति ब्रह्म, इसलिए ओंकार को ठीक से समझने से ब्रह्म प्रतिपत्ति रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है। सर्व को यदि आप ठीक से समझते हैं तो क्या समझ में आ जाएगा आपको, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्व को यदि आप ठीक से समझ जाते हैं तो क्या समझ में आएगा आपको, रज्जु समझ में आएगा, डर भी चला जाएगा, हम रज्जु समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से ओंकार ब्रह्म, इसलिए ओंकार को ठीक से समझ जाएंगे तो ब्रह्म को ठीक से समझ में आ जाएगा। इस अभिप्राय से बोल रहे हैं कि किंच सर्व आस्पदत्वात् ओंकारस्य ब्रह्मनस्य तथात्वात् एक लक्षणत्वेव अन्यत्र असिद्धे ओंकार प्रतिपत्ति, इसलिए ओंकार के बोध से ब्रह्म प्रतिपत्ति एवं उससे ही आप अधिष्ठान का बोध हो जाए। इति आहो, इसी को मन में रखते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओंकार एव इदम सर्वम, ओंकार एव इदम सर्वम ऐसा कहा गया है। ओम इति इदम सर्वम इत्यादि वाक्यांतर संग्रहतम आदि पदम इत्यादि श्रुतिभ्यो ब्रह्म प्रत्युपाय उपायत्व ओंकारस्य प्रमितम इति शेष। उसके आगे देखिए भगवान भाष्यकार क्या था, इत्यादि श्रुतिभ्यः, ठीक है ना, वहां इतना लिख करके भी ये आदि पद देने का एक छूट है लेखक के प्रति, इसीलिए ग्रंथ छोटा होता है, ना जाने ग्रंथ समाप्त नहीं होता है, ये आदि पद देने का एक लेखक के प्रति एक छूट दिया जाता है, दो चार बोलने के बाद इत्यादि आप समझ मानिए तब जाके ग्रंथ के मतलब ग्रंथ की कलेवर थोड़ा छोटा हो जाता है, नहीं तो ना जाने ग्रंथ कितना बड़ा हो जाता है। भाष्यकार तो सब चीजें उनके दिमाग में समझ रहे थे, इतने यदि यहाँ पे होते आदि इत्यादि इत्यादि श्रुति इस प्रकार श्रुति वाक्यों से यहाँ पे क्या बोलते हैं, ओम इति इदम सर्वम ओम इति इदम सर्वम, ठीक है ना, इतना कई जगह ओंकार है इत्यादि वाक्यांतर इस प्रकार जो अन्य वाक्यों को भी संग्रहार्थम संग्रह करने के लिए हम समझने के लिए आदि पदों में आदि पद दिया हुआ इति बोल करके आदि निकाली लाइक दिस इत्यादि श्रुतिभ्य इस प्रकार श्रुति वाक्यों से ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्तम ब्रह्म बोध की उपाय जो है ओंकारस्य प्रमितम प्रमाण के द्वारा सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म मतलब स्वरूप बोध के लिए ओंकार अवलंबन के लिए चलना सबसे अच्छा। बिल्कुल ये तो उनका एक शब्द भी अधिक नहीं, इस प्रकार की और यदि कहीं आपको वाक्य मिलते हैं उसको भी यहाँ पे जोर करके विचार स्व अनुगत प्रतिभासे सन मात्रे चिदात्मनि प्राणादि विकल्पस्य कल्पितत्वा आत्मनः सर्वास्पदत्वम् न पुनरोंकारस्य तदस्ति अननुगमात् इति अत्र आह। आत्मा सब में अनुसूत रह सकता है क्योंकि वो सूक्ष्म व्यापक तत्व है, तो ओंकार तो ऐसा नहीं है, इसलिए ओंकार सबका आस्पद ये कैसे बोल रहे हैं ये समझ में नहीं है। ननु करके बोल रहे हैं पूर्ववादी बोल शंका उठा रहे हैं, स्व अनुगत प्रतिभाषे अपने अंदर अनुवाद आरोप प्रतीति होता है सन मात्र उसके मतलब शुद्ध सत्ता मात्र है और चिदात्मनि और सत्ता कैसे स्वयं प्रकाश है प्राणादि विकल्प से कल्पित तत्व तो उसके ऊपर कहां पर क्या क्या कहां से कल्पना शुरू किया हिरण्यगर्भ से कल्पना शुरू होती है इसीलिए हम बोलते हैं प्राणादि विकल्प से जितना विकल्प करते हैं प्राण शरीर इंद्रिय मन विकल्प करते विकल्पत्व विकल्प कल्पित तत्व तो विकल्पित से कल्पित होने के कारण आत्मनः सर्वस्व तत्त्वम् आत्म तो सबका आश्रय है ये तो माना जा सकता है न पुनर्ओंकारस्य तदस्ति ओंकार में सर्वास्पदत्व नहीं है ओंकार में शंका है ओंकार में सर्वास्पद आपको लगता है ये शंका ठीक हो रहे हैं ओंकार कैसे होगा मैंने क्या बोला देखो अभिप्राय तत्व में पहले ही बोल दिया था आपको एक हो गया रूप की आश्रय एक हो गया नाम की आश्रय ओंकार होगा समस्त नाम की आश्रय ओंकार समस्त वागात्मक रूप है ना वो इसलिए हम बोलते हैं कि आगे उसको लेकर कुछ समझाने के लिए शंका उठाए
सर्वास्पद न पुनर्ओंकार तदस्थि, ओंकार में इस प्रकार सब सब अनुगत नहीं है, अनुगमान इति आह वो सब में अनुसूत नहीं है ओंकार। नाम तो घटपट है, वो तो अलग अलग वस्तु होते हैं, वो सब में अनुसूत कैसे होगा? किंतु किसी भी नाम के उच्चारण करो आपको वागेंद्रिय उसमें अनुगत है कि नहीं है? किसी भी नाम के उच्चारण कर लो संसार में तो उसमें आपका वागेंद्रिय अनुसूत है कि नहीं है? तो यानी कि सबका आश्रय, सभी नाम का आश्रय एक वागेंद्रिय है। ये चीज कहां भी वेदांत उपनिषद में कहा गया, जिस समस्त गंधों का आश्रय एक नासिका है, समस्त वाक का आश्रय जिसको बोलते हैं ये प्रक्रिया। लय प्रक्रिया में दिखाए गए वेदांत को मैत्री को समझाने के लिए एक तो बोला था जैसे धुआं में, मतलब जहाँ पे जो रहते हैं उसी से निकलते हैं, मतलब कभी भी कोई विशेष सामान्य को छोड़ करके नहीं रह सकता। क्या बोला मैं? कभी कोई विशेष सामान्य को छोड़ करके नहीं रह सकता। ये ओंकार हो गया सामान्य शब्द और विशेष हो गया उसका विकार, तो विशेष कभी भी सामान्य को छोड़ करके नहीं रह सकते, इसलिए ओंकार शब्द का भागात्मक आश्रय बन जाता है। विशेष कभी भी सामान्य को छोड़ करके नहीं रह सकता। सामान्य दृष्टांत को देखिए, जैसे हम हारमोनियम बजाते हैं, हारमोनियम में बजाते हैं तो आपको पहले क्या सीखना पड़ता है? सारेगामा सीखना। कोई भी राग रागिनी बजाओ वो विशेष है, सारेगामा को छोड़ करके नहीं रह सकता, उसका श्रेय है। इसलिए कोई भी विशेष सामान्य को छोड़ करके नहीं रह सकता है। तो ओंकार ओंकार को सामान्य दृष्टि बनाया और उसके ऊपर सारा नाम विशेष आश्रित है, लेकिन वो सामान्य है। हारमोनियम नहीं, सामान्य है सारे गामा पादानी सा विशेष। इसी को काम हमने क्यों दिया? वाद्ययंत्र का दृष्टांत दिया, तथा दुंद विहन्न मानस सजका संकट सुभाय मानस वृदम ने माया हुआ है, उसी का आधार पर दिखा है इसको कि कभी भी कोई विशेष सामान्य को छोड़कर के नहीं रह सकता। इसी पे हम कहेंगे ननु स्व अनुगत प्रतिभाषेषण मात्र चिदात्मनि प्राणादि विकल्पस्य कल्पितत्व आत्मनो सर्वास्पदत्व न पुनर्ओंकारस्य तदस्तु। ओंकार में तो अनुगतत्व नहीं है, अनुगमादिति अह नहीं। यहाँ पे आप देखिए तत्र अह इसके उत्तर में कहते हैं, क्या कहते हैं आगे? रज्जादि इव सर्पादि विकल्पस्य आस्पद अद्वय आत्मा परमार्थ दर्शन प्राणादि विकल्प आस्पदो यथा तथा सर्व अपि वाक् प्रपंच प्राणादि आत्म विकल्प विषय विषय ओंकार एव। एक हो गया नाम और एक हो गया रूप। अच्छा कौन पहले है, रूप पहले है कि नाम पहले है? रूप पहले, करेक्ट, रूप पहले है, नाम बाद में। इसीलिए रूप का आश्रय कौन है? आत्मा है ना। इसे देखो मैं बोलते रज्जवादि इव सर्पादि विकल्प सांप रज्जु के ऊपर विकल्प कर रहे, क्या कर रहे? सर्प जलधारा माला भूक्षेत्र दंड कितना भी विकल्प करो अधिष्ठान एक ही है, ठीक है ना। ये जो है आप एक ही वस्तु को देख करके अलग अलग व्यक्ति के मन में जैसा जैसा भावना है उसको उस रूप में प्रतीति हो रहा है, रूप की प्रतीति हो रहा है और फिर नाम ऐड करता जा रहा है, नाम ऐड करता जा रहा है। तो यहाँ पे यही बोलते हैं रज्जादि इव सर्पादि विकल्प आस्पद अद्वय आत्मा सर्पद विकल्प रज्जा रज्जु के समान जो है समस्त द्वैतों की आश्रय हो गया आत्मा। आत्मा परमार्थ सन होते हुए भी अब उसके ऊपर हमने कहा से कल्पना शुरू किया? प्राण, प्राण शरीर सबसे प्राणादि विकल्प आस्पद यथा, वो क्या पता? आप उसके ऊपर फंक्शन करते हुए देख करके उसका नाम दिया प्राण मन, उस विकल्प का आश्रय तो ही होता है, उसकी विद्यमान होता है, तो उसको अन्य वस्तु से पृथक करने के लिए ये प्राण ये मन ये इंद्रिया अलग अलग रूप में वो केवल नाम शब्द प्रयोग करते हैं व्यवहार सिद्धि के लिए, नाम की उपयोगिता व्यवहार सिद्धि के लिए। इस पिंड से इस पिंड में यदि अगर अलग नाम नहीं होता तो हम व्यवहार नहीं कर पाते, निश्चित हो जाता है, बस इतना ही मात्र नाम की उपयोगिता। प्राण शक्ति के बिना वागेंद्रिय प्रयोग नहीं कर सकते, समस्त क्रिया के लिए आस्पद हो जाता है प्राण, फिर आप उसके ऊपर सारा क्रिया दिखाई पड़ते हैं। इसलिए बोलते हैं तथा सर्वापि वाक् प्रपंच प्राणादि आत्म विकल्प विषय जो प्राणादि आत्म विकल्प होते हैं ओंकार एव, वो ओंकार भी उच्चारण है जिसमें अकार उकार मिला हुआ है, ओंकार उसार बगल पे मान्यता दी गई बोले अकार और उसार होगा उसके ऊपर आधार करके दिखे। अब इसको रहते हैं देख रहे हैं, देखो हमने तो कभी चार पंक्ति नहीं पढ़ता है, ठीक है कोई बात नहीं, कल चलेंगे इसको, क्योंकि इसका प्रत्येक
कहते कहे गया यहाँ, अगर इसको जो ठीक से समझ जाएंगे तो आगे गलती भी समझ में आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे अच्छा तो आगे पहले लास्ट लास्ट कर सकेंगे लास्ट में, कल पहला वाला बोले थे ना, आज तो अब लास्ट का सेकंड देखिए। प्रज्ञा वैशाख वेद सुहित जल निधे वेदनानन्तरस्थम भूतान्यालोक्यं वर्त्नान्यविलग्नचन्द्रप्रभोरे समुद्रे कारुण्यादुद्धारमिदमिदम् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः।